सदर सांसद रवि किशन ने माफियाओं की कार्यवाही पर कहा कि योगी सरकार में जो भी गलत होगा और गरीबों की जमीन पर कब्जा करेगा और गलत तरीके से पेपर बनाएगा व गलत तरीके से साइन लेकर जमीन कब्जा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जो भी पाप जमीन कब्जा लूट करना था और गरीबों को मारना पीटना था वो सब समय चला गया, क्योंकि अब प्रदेश में योगी सरकार है। कोई भी झूठ बोलकर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बच नहीं पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि माफियाओं को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई किया जाए, जिसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। अब माफिया सरेंडर करके जेल जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, आपको बहुत बता दूं, पूज्य महाराज जी डबल इंजन सरकार की नीतियां, जो भी गलत होगा, अवैध कब्जा होगा, गरीबों का कब्जा होगा, कहीं किसी को दबाव में कब्जा किया, गलत तरीके से पेपर बनाया गया, झूठे किसी से साइन ले ली गई, जबरदस्ती किसी से पेपर पर जमीन के साइन ले ली, पर डिस्प्यूट वाली जमीन को खरीदा गया जानते हुए कि यहाँ पे परिवार का पटीदारों का पटीदारी में कौन डिस्प्यूट चला था, वो जमीन पे हाथ डाल दे ओके खरीदा, वो सब समय गई 2017 के पहले जो जो पाप गलत काम करने थे, हत्या करनी थी, लूट करना था, फरेब करना था, गरीबों को, पिछड़ों को, दलित समाज को मारना पीटना था, कूटना था, वो सब समय चला गया। ये पूज्य महाराज जी की राम राज्य वाली डबल इंजन मोदी योगी की सरकार है। यहाँ अन्याय, माफिया, गलत जमीन, अवैध कब्जा, झूठ बोल के रेलवे की जमीन पर कब्जा, अनैतिक कब्जा, अवैध कब्जा, झूठे पेपर बना के अब आप बच नहीं सकते हो। सरकार की, प्रशासन की पूरी और भी लोग नपेंगे, अनगिनत लोग नपेंगे, जितने भी लोगों ने अनैतिक तरीके से जमीन पर कब्जा किया है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, किसी गरीब का, सब लोग नपेंगे बारी बारी। पाप का अंत होगा, पूज्य महाराज जी ने साफ कहा है, गलत लोग, गलत विचार के धारा के लोग, गलत जो लोग डराते हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग, माफिया लोग, भू माफिया लोग, कोई बचेगा नहीं उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में तो कतई नहीं बचेगा।